500 और 1000 की नोटबंदी के बाद मचे बवाल के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, गरीब के हितों की रक्षा होगी। 2.5 लाख से कम 500 और 1000 का नोट रखने वाले लोगों से कोई पूछताछ नहीं करेगा। साथ ही इस दौरान शाह ने सरकार के फैसले का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इस पुराने बड़े नोटों पर पाबंदी से आतंकियों, नक्सलियों, जाली नोटों का कारोबार करने वालों को परेशानी हो सकती है। बीएसपी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वे कालाबाजारियों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। शाह ने कहा कि चारों पार्टियों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, जनता को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। वहीं एक तरफ जहां शाह ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, तो खुद राहुल गांधी इसका जवाब देने के लिए आम नागरिक की तरह सड़क पर उतर आए। राहुल गांधी पैसा निकलवाने के लिए दिल्ली के संसद मार्ग स्थित SBI ब्रांच पहुंचे। यहां वे लोगों के साथ लाइन में लगे। राहुल ने कहा, मैं यहां 4000 रुपये बदलवाने के लिए आया हूँ। साथ ही इस दौरान राहुल से जब 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ना मीडिया को समझ आएगा और ना उनके करोड़पति मालिकों को और ना ही प्रधानमंत्री जी को। राहुल गांधी ने कहा कि इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन मोदी सरकार को यह नहीं दिखता। तो आज भी नोटबंदी पर जहां लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जोरदार हुई। शाह के आरोपों पर ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मुलायम सिंह यादव और मायावती ने भी पलटवार किया है। और जाहिर है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, इस मुद्दे पर सियासत जारी रहेगी। देखते रहिए DP Live।